수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 대답 하루에 열 번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 So hello guys, this is Sanendra. I am going to explain part 4 and the drama name is My Secret Romance. तो प्रीवियस सीन में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर जिन जब यूमी से पूछते हैं कि यूमी ये बताओ मुझे तुम उस रात छोड़ के क्यों चली आई थी, तो वहाँ यूमी झूठ बोलते हुए बोलती है कि क्योंकि वह मेरे लिए वन नाइट स्टैंड था। और यह सब सुनकर मिस्टर जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर जिन जब घर पर होते हैं तो वहाँ पर भी यूमी की वन नाइट स्टैंड वाली बात सोच कर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि कल वाली बात याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और तभी यूमी अपने आप से कहती है कि आज तो पक्का मिस्टर जिन मुझे जॉब से बाहर फेंक देंगे। लेकिन मिस्टर जिन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि वह उसके खाने की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर यूमी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर जिन अपने सेक्रेटरी के सूट को देखकर कहते हैं कि आज के बाद तुम ये सूट कभी मत पहनना क्योंकि मुझे ट्राइकोफोबिया है। यह सब सुनकर सेक्रेटरी वॉज लाइक आई थिंक आपको फैशन का कोई सेंस नहीं है। और तभी मिस्टर जिन जब वॉशरूम में होते हैं तो वहीं पास कोई आदमी फ़ोन पर यूमी के जगह कोई दूसरी न्यूट्रिशनिस्ट लाने की बात कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिन जब ऑफिस में होते हैं तभी जुहारी वहाँ मिस्टर जिन से मिलने आती है। लेकिन वो तो जुहारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि मिस्टर जिन को जुहारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे दोनों जब साथ में होते हैं तभी वहाँ यूमी भी आ जाती है और इस तरह दोनों को चिपका हुआ देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूमी जब अपने घर जाती है तो वह अपनी मॉम और उनके एक बच्चे को देखकर परेशान हो जाती है। और तभी अपने मॉम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसकी माँ अपने हस्बैंड को छोड़कर यूमी के साथ रहने आ गई थी। जिसके बाद हमें यूमी के स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के सभी बच्चे उसके मॉम के एडल्ट फिल्मों में काम करने के कारण स्कूल के काफ़ी बच्चे यूमी को परेशान किया करते थे और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गंदा बिहेव करते थे। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जुहारी को देखते हैं जो मिस्टर जिन के लिए काफ़ी सारा सामान लेकर आती है और वह यूमी से कहती है कि आज के बाद तुम वही खाना बनाओगी जो मैं तुम्हें बनाने के लिए बोलूँगी, और हाँ खाना बनाने के बाद तुम उसकी फ़ोटो सेंड करना मुझे मत भूलना क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जिन्हों की वाइफ बनने वाली हूँ। और तभी वहाँ पर मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और जुहारी से कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, ऐसा तुम्हें किसने बोला है। और यूमी को अपने पास लाते हुए बोलते हैं कि मैं सिर्फ वही खाना खाता हूँ जो खाना ये मुझे बनाकर देती है क्योंकि यूमी मेरी पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है और मेरे अलावा इसे दूसरा कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। और तभी मिस्टर जिन यूमी को बाहर लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं जहां मिस्टर जिन यूमी से बोलता है कि मुझे इस होटल का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ इसे टेस्ट करो और मेरे लिए ऐसा ही खाना बनाओ। थोड़ा बहुत बातें करने के बाद यूमी मिस्टर जिन से पूछती है कि क्या जुहारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि अगर कोई लड़का और लड़की साथ में हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और वह यूमी को बुलाते हुए बोलता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ क्योंकि वो हम दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। जिसे सुनते ही यूमी को हिचकियाँ आने लगती हैं। वो दोनों जब जा ही रहे होते हैं तभी मिस्टर जिन यूमी को सामने टकराने से बचा लेते हैं और मिस्टर जिन के फिर से क्लोज आने पर यूमी को हिचकियाँ आने लगती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर जिन को उनके घर पे देखते हैं जहां वह उसी पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं जो यूमी के जगह किसी दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट को
लाने के लिए फ़ोन पर बात कर रहा था। देन मिस्टर जिन अपने आप से कहते हैं कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि यह तो अभी बस शुरुआत है। और जिसके बाद मिस्टर जिन अपने सामने रखे ज्वेलरी बॉक्स को ओपन करते हैं, और यहीं पास फिर से 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मिस्टर जिन को अपनी कार में यह चीज़ मिला था। मिस्टर जिन उसे देखते हुए बोलते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर मैं इसे इतने सालों से क्यों संभाल कर रखे हुआ हूँ। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग मिस्टर जिन को देखते हैं, जो कि अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ खाना खाने जाते हैं और युमी के हाथों का खाना खाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि युमी ने खाना बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा मिस्टर जिन ने युमी को बनाने के लिए कहा हुआ था। और तभी सेम नाइट हम लोग युमी को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहां एक लड़की उसके दोस्त से उसका नंबर मांगती है, जिस पर उसका दोस्त युमी के पास जाते हुए बोलता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है और आप हमारे डेट को ख़राब कर रही हैं। उस लेडी के जाने के बाद युमी अपने फ्रेंड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। और हमें यहाँ यह पता चलता है कि युमी का फ्रेंड युमी को लाइक करता है, लेकिन युमी उसे ज़रा भी भाव नहीं देती। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिन जब युमी को कॉल लगाते हैं, तो उसका छोटा भाई फ़ोन पिक करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर जिन शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी युमी आकर फ़ोन ले लेती है। देन मिस्टर जिन युमी से कहते हैं कि आज मैंने खाना नहीं खाया, सो प्लीज़ मेरे घर आकर मेरे लिए खाना बना जाओ। और यही पास हमारे ड्रामे का पार्ट 4 समाप्त होता है।